वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज प्लिन बीम पीसीसी के ऊपर बात करूंगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कैसा है, जो आपका पीसीसी है वो बैठ जाता है और पीसीसी जो करने का आपका मकसद है, जो एम है, वो फेल हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है उस पर डिस्कस करूँगा पूरा। और देखिए कितना परफेक्ट हमने पीसीसी किया हुआ है यहाँ पर प्लिन बीम के लिए। तो इसी तरीके का वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी प्रैक्टिकल वीडियोस आपको यहाँ मिलेगी, मेरे चैनल पे मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। स्टार्ट करते हैं प्लिन बीम पीसीसी। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको बताया कि लेवल जो आपका रहेगा वो कन्फर्म होना चाहिए कि प्लिन बीम का बॉटम या टॉप क्या है वो है। देखिए बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, या मेरे लिए खुद के लिए भी सीखने के लिए और आपको सिखाने के लिए। तो जो आपका लेवल है, देखिए लेवल मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए वाइट कलर का लेवल है। ये लेवल से आपका प्लिन बीम बॉटम क्या है वो कन्फर्म होना चाहिए सबसे पहले। ओके, कन्फर्म होने के बाद फिर आपका जो धुरमुस है, देखिए जो कॉम्पैक्शन है वो कॉम्पैक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखा दूँ, आपको वहाँ पे दिख रहा है, आपको देखिए नज़दीक ले जाके दिखा दूँगा मैं आपको कि कैसे इसको कॉम्पैक्शन करना है। उसके बाद जो आपका सरफेस प्रिपरेशन है, अगर थोड़ा सा ऐसा डाउट लग रहा है आपको, तो आप इसके नीचे जो प्लिन पीसीसी किया हुआ है इसके नीचे आप थोड़ा सा सोलिंग कर दीजिए, छोटे छोटे पत्थर डाल दीजिए, छोटे छोटे रबल जो आते हैं उसको डाल दीजिए प्रॉपरली। और रबल भरने के बाद उसको धुरमुस से प्रॉपर मारिए, जो धुरमुस होता है या जो कॉम्पैक्शन आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे प्रॉपर मारिए, उसको कॉम्पैक्ट कीजिए। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसके बाद देखिए ऐसा चैनल आप लगा सकते हैं। देखें तो चैनल लगा के ये स्टील देखिए वर्टिकल मारा हुआ है, तो ये वर्टिकल स्टील आप प्रॉपरली मार के देखिए यहाँ पर कैसा सपोर्ट किया हुआ है इस पर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये चैनल पर आप स्टील प्रॉपरली मार के अच्छे से इसको, और मेज़रमेंट वाइज जैसे देखिए अगर कॉलम के फेस टू फेस है, देखिए ये फेस और ये फेस, ये कॉलम के फेस पे है तो ठीक है, कोई इशू नहीं, आप फेस पकड़ के पीसीसी कर दीजिए। बट यहाँ पे देखिए मिडल में भी बीम आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे तो फेस पे है, फिर इधर मिडल में बीम आ रहा है। देखिए ये कॉलम से इतना दूर है, फिर ये कॉलम से इतना दूर है, तो ये जो मिडल बीम है इसका मेजरमेंट आपके पास रहना चाहिए कि किधर मेरा बीम आ रहा है। ओके, ये चीज़ हो गई कि आपका बीम किधर आ रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप पीसीसी कर दीजिए, बाद में जब बीम बांधने जा रहे हैं तो बीम के ऊपर फिर आपका पीसीसी के ऊपर आपका बीम बैठ नहीं रहा है, वो प्रॉपरली चेक कर लेना। उतना मेजरमेंट आपके पास रहना चाहिए, फेस टू फेस बीम अंदर टू अंदर क्या डिस्टेंस है उससे आप मार्किंग कर लीजिए और प्रॉपर पीसीसी कराइए। ठीक है, कॉम्पैक्शन हो गया, मेजरमेंट हो गया, जो बीम आपका आता है जैसे 230 का बीम आता है, अभी ये इतना चौड़ा बीम तो रहेगा नहीं आपका प्लिन बीम। अभी देखिए ये फेस में अगर प्लिन बीम आपका आता है, ये फेस से वो फेस जाता है आपका प्लिन बीम। ठीक है, तो पीसीसी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाइए, कम से कम 4-4 इंच पीसीसी एक्स्ट्रा करवाइए ताकि आपका जो शटरिंग का साइड हो वो लग जाए, उसका बाहर का जो ठेसी होता है प्लाई जो पट्टी लगता है वो पट्टी प्रॉपरली लग जाए। ओके, तो थोड़ा सा ज़्यादा करिए, 4-4 इंच जो बीम है आपका बीम से 4-4 इंच ज़्यादा कीजिए। ये एक हो गई तीसरी बात। चौथी जो कॉलम है आपका, यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने पीसीसी किया लेकिन कॉलम के अंदर थोड़ा भी कंक्रीट नहीं गया हुआ है। ये देखिए कॉलम भी देखेंगे आप तो खड्डा दिखेगा आपको, देखिए ऐसा दिखा दो, देखिए ये खड्डा दिख रहा है आपको, क्योंकि कॉलम का ग्रेड अलग है, M30 का ग्रेड है, M40 का ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड है। और ये हम लोग 1:3:6 भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम तो 1:3:6 यूज़ कर रहे हैं, आप 1:4 भी यूज़ कर सकते हैं, M10 M15 जो आपको जाना है, बट M10 से कम आपको नहीं जाना है। ठीक है, रेशो समझ लीजिए, 1:2:4 भी कर सकते हैं, 1:3:6 भी कर सकते हैं, M10 और M15 के ऊपर आप। ठीक है, तो अपना M15 का जो पीसीसी है वो M15 के ऊपर नहीं जाना है, M15 के ऊपर फिर M25 RCC के लिए आपको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये बात हो गई अपनी कि कॉलम के अंदर कॉन्क्रीट नहीं जाना चाहिए, कॉम्पैक्शन हो जाना चाहिए प्रॉपरली, और जो इसका थिकनेस है डेप्थ वो आ जाएगा आपका 4 इंच का, कम से कम 4 इंच रखिए प्लिन बीम का पीसीसी जो है, ताकि बैठे नहीं पीसीसी और प्रॉपर हो। जैसे यहाँ पे हमने देखिए परफेक्ट पीसीसी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी तरीके से पीसीसी आपको प्लिन बीम के लिए करना है ताकि प्लिन बीम का पीसीसी आपका बैठे नहीं। चलिए धुरमुस में दिखा सकता हूँ आपको कॉम्पैक्शन कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, और एक लेवल में रहना चाहिए पीसीसी। देखिए मिस्त्री लाइन डोरी बांधा हुआ था यहाँ पर, देखेंगे आप, देखिए जो आपका ये पीसीसी किया हुआ है इसको लाइन डोरी से चेक करना है प्रॉपरली। यहाँ 500 मिल रहा है तो वहाँ भी 500 मिल रहा है कि नहीं, यहाँ 400 मिल रहा है तो वहाँ भी 400 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये लेवल प्रॉपर रहना चाहिए, यहाँ से लेके वहाँ तक का एक ही लेवल रहना चाहिए परफेक्ट। लेवल आपको घुमा के ले लेना है लेवल पाइप से और लाइन डोरी बांध के चेक कर लेना है। ओके, तो ये हो गया अपना लेवल। लेवल के बाद देखिए ये धुरमुस और कॉम्पैक्शन हमने कैसे बनाया, एक ट्री का एक स्टार्क है,
एक पूरा गट्टा है, फिर उसमें हमने पाइप लगा दिया है और उसको प्रॉपरली दोनों हाथ से एक लेबर इधर एक लेबर इधर बैठ के आराम से पूरा कॉम्पेक्शन प्रॉपरली कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ बेस का थोड़ा सा, देखिए बेस हम लोग बना रहे थे, थोड़ा ज़्यादा गड्ढा था, माल ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ बेस बना दिया है प्रॉपरली, बेस बना और अच्छे से थोड़ा बनाएंगे और उसके बाद इसका चैनल लगा के ऐसे ही सेम माल डाल देंगे। तो ये था अपना प्लिंथ बीम का पीसीसी के ऊपर प्रिकॉशंस और कैसे करना है आपको, ताकि आपका पीसीसी बैठे नहीं और आपका घर नहीं बैठे, आपका ग्राउंड फ्लोर ना बैठे। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।